Hey guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome if you are new here. मैं एक डे इन अ लाइफ ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड ऑल अभी भी मैं अपने मम्मी के घर पे ही हूँ बिकॉज हमारे घर में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और घर के बाहर एक नोटिस लगा दिया गया है जिसमें लिखा है फ्रॉम 3rd May to 16th May क्वारंटीन वार्ड और ये नगर निगम के थ्रू जारी किया गया है क्योंकि BHU में इन सभी लोगों ने अपना टेस्ट करवाया था तो BHU का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है नगर निगम वालों से तो उन्होंने ही इन्फॉर्मेशन दी होगी नगर निगम वालों को कि इस जगह पे इतने लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो वहाँ पे जाना बैन कर दिया गया है तो अभी हम लोग घर बिल्कुल नहीं जा सकते। हम लोग घर जब भी जा सकते हैं 16 के बाद ही जा सकते हैं पर हम लोग का ये सोचना है कि हम लोग 16 के बाद नहीं जाएंगे, एटलीस्ट हम लोग 20 के बाद जाएंगे यहाँ से कि 16 के बाद 16 को क्वारंटीन ख़त्म होने के बाद वो लोग भी थोड़ा वेल सेटल्ड हो जाए और दो लोग जो कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए हैं उनका भी इक्वेशन देखना है कि उन्हें कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं उन लोगों के नेगेटिव होने के बाद क्योंकि सिर्फ वही दो लोग हैं घर में जो कि नेगेटिव हैं और अपने आप को अलग तरीके से क्वारंटाइन करके रह रहे हो। तो देश की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस, इस बार जो कोरोना आया है वो बहुत गंदा आया है और वो सारे लोग जो कि पिछले बार के कोरोना को जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया था, जो मास्क नहीं लगाते थे, सैनिटाइजेशन सही से नहीं करते थे, इस बार वो सारे लोग चपेट में आए हैं और कोरोना पॉजिटिव हुए हैं इसलिए क्योंकि जो उनका रवैया पिछले साल रहा है वही रवैया उनका इस साल भी रहा है और इस साल कोरोना इतना ज़्यादा हैवी है कि उसने पूरी तरीके से उन लोगों को चपेटे में ले लिया। हालांकि कल की न्यूज़ ये रही है कि कोरोना निकला जितने लोगों को है उतने से ज़्यादा लोग कई तादाद में ठीक हुए हैं पर 17 लोगों का डेथ हुआ है। कल मम्मी मुझे बता रही थी, मुझे और पापा को, उनके मोबाइल में अपडेट आता रहता है कोरोना को लेके, उन्होंने कुछ चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है जिसकी वजह से उनके पास अपडेट आता रहता है। तो बहुत ख़राब चल रहा है सिचुएशन। तो ये रहा हमारे घर जाने का सिचुएशन, अभी भी हम लोग मम्मी के घर में ही हैं और नॉर्मल डे इन अ लाइफ चालू किया है गाइस। हो सकता है आज रात में छोले भटूरे बने और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से मम्मी छोले भटूरे बनाती हैं क्योंकि मम्मी का छोले भटूरे बनाने का स्टाइल बिल्कुल अलग रहता है। ये मैं मोबाइल में पीहू के लिए गाना लगा रही थी, फिर भी तेज़ नहीं करना चाहता ना, मम्मा बात कर रही है। तो मैं अभी सोकर उठी हूँ और कल सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी क्योंकि सुबह से ही मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चली रही थी मौसम की वजह से। यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा, बनारस में मौसम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी मौसम ठंडा हो जा रहा है, कभी फिर धूप निकल जा रही है। तो ऐसा फ्लक्चुएशन जब होता है तब मेरे माइग्रेन बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। तो वो क्या रहा है कि जब ऐसा मौसम हो रहा है तो कल तो मेरी तबीयत सुबह से ही ख़राब थी काफ़ी, पर मैंने कुछ मेडिसिंस वगैरह लेके चला रही थी मैं, पर शाम को वो नेक्स्ट टू वर्स्ट हो गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स होने लगे और कम से कम मुझे 4 times वॉमिट हुआ होगा और बहुत ज़्यादा ये TMI है, अगर आप नहीं देखना चाहते तो क्लिक आउट हो जाइए, पर वो एकदम फोर्स के साथ मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। मतलब मैं जा रही थी और ढेर सारा वॉमिट, तो मैं बहुत लथार्जिक भी हो गई थी उसके वजह से। और फिर किसी तरीके से रात में 2 रोटी खाई और सोने की कोशिश की। डेटा को दे दो, फ़ोन आ रहा है, लेके जाओ डेटा के पास पहले। बेटू
पहले डाटा का फोन लेके जाओ। बेटू के हाथ में फोन आ जाता है तो किसी का कॉल भी आए तो वो कट कर देती है, किसी का मैसेज भी आए तो अगर ओपन करना रहे तो ओपन हो जाता है, कभी कभी उससे डिलीट भी हो जाता है, इसलिए उसके हाथ में मोबाइल देना बहुत खतरनाक होता है। तो अभी बेबो भी उठी है और उसने दूध पिया है, मैं भी उठी हूँ, मैं चाय पी रही हूँ अभी। तो कल के तबीयत ख़राब की वजह से मेरे फेस पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी आपको स्वेलिंग भी दिखाई दे रही है, मेरा फेस बहुत ज़्यादा स्वेल कर गया है। दीपिका मैम से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था मुझे कि अगर मेरी वॉमिटिंग्स बंद नहीं होती है तो मुझे इंजेक्शन्स ही लेने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज़ मुझे एडमिट होना पड़ेगा, पर ऐसी नौबत नहीं आ रही है फ़िलहाल। फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी ही रह रही है जो कंट्रोल हो जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स तो हो रहे हैं पर एक पॉइंट पर आके वॉमिटिंग रुक जा रहा है। तो अगर वॉमिटिंग नहीं रुकेगा तो हम लोग इंजेक्शन्स या एडमिट होने का सोचेंगे, पर जब तक वॉमिटिंग्स रुक जा रहे हैं और थोड़े ही तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तकलीफ़ तो हालांकि बहुत हो रही है, वॉमिटिंग्स होते हैं तकलीफ़ तो बहुत होती है, पर एक लिमिट में तकलीफ़ हो रही है तब तक तकलीफ़ झेली जा सकती है, बट जब तकलीफ़ लिमिट लेस हो जाती है तब सोचा जाता है कि इसके लिए क्या किया जाए। तो अभी तो मैं चाय पी रही हूँ, चाय पीने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश होंगी और फ्रेश होने के बाद मैं योगा करूंगी, तो आप लोग को दिखाऊंगी मैं कौन कौन सा योगा करती हूँ। और हस्बैंड और इन लॉज का बहुत फोर्समेंट है कि मैं योगा करूँ, योगा से सब ठीक हो जाएगा। पर्सनली मैं योगा में बिलीव नहीं करती, पर जब हस्बैंड कह रहे हैं इतना ज़्यादा तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। मुझे कोई मेहनत का काम नहीं करना है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी, और अगर बेनिफिट होता है तो ये बात बहुत अच्छी है, बेनिफिट होता है तो चलिए चाय पीते हैं और उसके बाद करते हैं योगा। R17 नाम है इसका, ये देख लीजिए आप लोग। अगर कोई भी माइग्रेन पेशेंट है मेरी तरह जिसको माइग्रेन बहुत ट्रिगर करता है और वो कोई अंग्रेजी दवा लेने के बदले होम्योपैथिक दवा प्रेफर करता है तो आप ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं 4 बार लेती हूँ दिन भर में और 10 बूंद लेती हूँ। तो आधा का पानी लेना है, उसमें 10 बूंद डाल लेना है, 10 बूंद पपी लेना है, ऐसा दिन भर में 4 बार करना है गाइस। तो अभी मेरा योगा कंप्लीट हो गया है, मैंने दवा ले लिया है, तो अब मैं जाऊंगी हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दूंगी और सोचूंगी कि मुझे क्या ब्रेकफास्ट करना है। मैं पहले जाके चेक करूंगी कि बगल की दुकान खुली है या नहीं, अगर बगल की दुकान खुली होंगी तो मैं वहाँ से ब्रेड ले लूँगी, मैं ब्रेड टोस्ट खा लूँगी क्योंकि कुछ ना तो नाश्ता करना ज़रूरी है
क्योंकि कहा जाता है कि हमेशा हम लोग को ब्रेकफास्ट किंग की तरह करना चाहिए, और मैं ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ। आई एम नॉट अ ब्रेकफास्ट पर्सन, पर ब्रेकफास्ट करना इंपॉर्टेंट है तो करना तो पड़ेगा ही। और एग्स भी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, अभी मैं पापा से पूछती हूँ कहीं से एग्स मिल सकते हैं क्या, तो मैं मॉर्निंग में ऑमलेट वगैरह या हाफ फ्राई वगैरह बना के टोस्ट के साथ खा लिया करूँगी। तो चलिए चलते हैं इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैं नहा कर आ गई हूँ और सबसे पहले मैं अपने फेस की क्लीनिंग करूँगी क्लींजर और टोनर से। हस्बैंड ने काफ़ी ऑयलिंग कर दी थी मेरे बाल से दो दिन पहले, तो उसके बाद मैंने आज बाल वॉश किया है। दो दिन तक ऑयल लगा हुआ था मेरे बालों पे। सो आई एम रेडी फॉर द डे। तो चलिए अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट और करते हैं ब्रेकफास्ट। ये देखिए गाइस, मेरे पास दो एग्स हैं, मैंने इसमें सॉल्ट डाल लिया है, और मेरे पास है टमेटोज, अनियन, पटेटोज एंड चिलीज। तो इसको मैं इसमें मिलाऊंगी, फेंटूंगी अच्छी तरीके से, और यहाँ मेरी कढ़ाई बैठी हुई है, इसमें मैं बनाऊंगी अपना ऑमलेट। अब मैं डिशेस करने जा रही हूँ, क्योंकि एज यूजुअल मम्मी के घर में मेड नहीं आ रही है, और मम्मी मेरी एग से एलर्जिक हैं, तो मुझे अच्छी तरीके से किचन काउंटर वगैरह, गैस स्टोव वगैरह और बर्तन वगैरह साफ कर देना पड़ेगा। बेबो ने भी एग खाया है मेरे साथ, आई शी लव्ड इट। तो बेबो साबुन से हाथ धोना चाहते, तो हम लोग अभी डेली बेसिस में एग एंड ब्रेड ही लेंगे, और एग जब भी खत्म हो जाएगा तो पापा ले आएंगे। तो डिशेस करने चलते हैं। ओके गाइस, तो आज नाश्ते में बनने वाले हैं वेज लॉलीपॉप्स, तो उसकी फिलिंग की तैयारी कर रही हूँ मैं। मैंने यहाँ थोड़ा रिफाइन ऑयल ले लिया है, उसमें ज़ीरा डाल लिया है, और मेरे पास ग्रेटेड में है
मिर्चा, अनियन और गोभी। इसकी फिल्म को मैं थोड़ा पका लूँगी। आलू अभी बॉईल हो रहे हैं। थोड़ा सा बस सौते कर लेना है हम लोग और कुछ आइए से सौते कर लेते हैं। और उसके बाद मैं टोस्ट करूंगी ब्रेड, क्योंकि इसमें जाएंगे ब्रेड क्रम्स मेरे वेज लॉलीपॉप्स में। मेरे पास मेरा नॉनस्टिक का पैन है, तवा है, और तो मेरा ब्रेड बहुत ताज़ा है इसलिए मुझे उसे पहले सेकना पड़ेगा और सेकने के बाद मैं उसको ग्राइंड करूँगी। और इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, कुछ मसाले जिसमें होगा नमक, लाल मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा बिरयानी मसाला या मीट मसाला डाल सकते हैं, जो भी मसाला आप डालें, थोड़ा ऐसा मसाला अलग सा मसाला रहे जो थोड़ा टेस्ट इन्हेंस करे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आलू बॉयल हो जाने के बाद आलू को तुरंत पानी में से निकाल लूँगी कि वो पानी ज़्यादा ना सोखे, और उसे ठंडा होने दूँगी और उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाऊँगी आपको कि क्या होता है। तो पहले इसे फ्राई कर लेते हैं। आप इसमें और कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, कॉर्न, स्वीट कॉर्न जो होता है, और बेबी कॉर्न को भी अच्छी तरह से ग्राइंड करके, जिस तरह से मैंने ग्राइंड नहीं चॉप करके, जिस तरह से मैंने आपने चॉपर में इसको चॉप किया है। तो ये हो गया है गाइस, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं और ले लेंगे अपना तवा, और इसमें रोस्ट कर लूँगी मैं अपना ब्रेड कि ब्रेड थोड़ा कुरकुरा सा हो जाए। तीन ब्रेड ले लेती हूँ, आई थिंक सो तीन ब्रेड में काम हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से एकदम लाल होने तक रोस्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रेड लाल हो रहा है। बना लेती हूँ यहाँ काम करने के लिए। और ये देखिए मेरे पास आलू मौजूद है, अब इसको अच्छी तरीके से हम लोग को एक मैशर की हेल्प से मैश कर लेना है। ओके गाइस, उधर ब्रेड टोस्ट हो गया है, इधर मेरा आलू मैश हो गया है। अब ये सारी चीज़ें मैं आलू में डाल दूंगी, कुछ मसाले डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं, तो मैं भी डाल रही हूँ। ये हो गया,
अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब मैं अपने ब्रेड क्रम्स बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने ब्रेड टोस्ट किया है उसके साथ, और फिर उन ब्रेड क्रम्स को भी मैं इसमें मिला के अच्छे से बाइंड करूँगी। फिर बनाएंगे हम लोग अपने लॉलीपॉप्स। ओके गाइस, तो अब मैं इसमें डालूँगी पहले 2 चम्मच के आसपास कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच के आसपास कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसमें जाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए ब्रेड क्रम्स एकदम रेडी हो गए हैं, ब्रेड क्रम्स मिला देते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। एक्चुअली आलू अभी थोड़ा गर्म है, पर ये बहुत अच्छी तरीके से डो की तरह बन गया है। तो अब इसके बॉल्स बनाएंगे हम लोग और इसे एक स्लर्पी में डिप करेंगे, उसके बाद वापस से इसे ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। तो ये रेडी हो गया। स्लर्पी के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया। ठीक है गाइस, यहाँ मेरी सारी चीज़ें मौजूद हैं, मेरा लॉलीपॉप बन के रेडी है, मतलब लॉलीपॉप का डो बन के रेडी है। ये देखिए इस तरीके से एकदम चिकना आपको बॉल बना लेना है, फिर इसे इस स्लर्पी में डिप करना है, फिर अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम से कोट कर देना और ये बन गया। देखिए मेरे लॉलीपॉप्स रेडी हैं। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में और शाम को इसको छानूंगी। जब छानूंगी तब आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे टर्न आउट हुए हैं। ओके गाइस, मैंने अपने लॉलीपॉप्स निकाल लिए हैं और अब मैं इसे डीप फ्राई करने जा रही हूँ। ऑयल हीट हो रहा है, ऑयल को पहले अच्छी तरीके से हीट हो जाने देंगे, उसके बाद इसमें अपने लॉलीपॉप्स डालेंगे कि ये अच्छी तरीके से एक बार में ही एक साइड से पक जाए, क्रिस्पी हो जाए। देखिए ऑयल हीट हो चुका है, अब हम लोग इसमें लॉलीपॉप्स डाल देंगे। एक तरफ से पहले अच्छे से होने देंगे, फिर इसे पलटेंगे। ओके गाइस, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मम्मी छोले भटूरे बनाने वाली हैं, तो उसका एक अलग व्लॉग जाएगा छोले भटूरे का।
मैं शूट तो अभी करूँगी पर उसका ब्लॉग इस ब्लॉग के बाद जाएगा। इस ब्लॉग में मैं छोले भटूरे नहीं दिखाऊँगी, मैं भी एक दो लुक दे दूँ आपको छोले भटूरे की, छोले भटूरे कैसे लग रहा है, या थाली जब लगाऊँ तो दिखा दूँगी छोले भटूरे कैसे लग रहे हैं, पर मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखाऊँगी क्योंकि उसका मैं अलग सा वीडियो बनाना चाहती हूँ। मम्मी के हाथ के छोले भटूरे बहुत टेस्टी होते हैं, इसीलिए मैं उसका अलग सा वीडियो बनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें कि मेरी मम्मी छोले भटूरे कैसे बनाती है और अपने घरों में भी आप लोग ट्राई करें उस टाइप के छोले भटूरे को। तो पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया आप लोग को कि डिनर तक का ब्लॉग नहीं जाएगा, डिनर का एक दो क्लिप ही दिखाऊंगी और उसके बाद ब्लॉग एंड कर दूंगी। देखिए गाइस वेज लॉलीपॉप्स तैयार हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी दिखाई दे रहे हैं। सॉस मैंने थोड़ा सा केचप लिया है और थोड़ा सा शेजवान चिली सॉस लिया है, तो सॉस भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और मेरे वेज लॉलीपॉप्स भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आइए चलिए इंजॉय करते हैं इसे। ओके गाइस, सो आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर ओनली। आपको छोला भटूरा का कुछ भी नहीं दिखाया, डिनर का कुछ भी नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं चाहती थी कि छोला भटूरा का व्लॉग अलग से जाए, एकदम सेपरेटली जाए और आप लोग उसे देखें, मेरे मम्मी के हाथ के बने हुए छोले भटूरे। तो व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ गाइस, होपफुली आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस ब्लॉग को एक लाइक दीजिए, थम्स अप बटन दीजिए और मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। इस ब्लॉग से भी लिंक बहुत सारे ब्लॉग्स होंगे जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, सभी ब्लॉग्स को देखिए, लाइक्स बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए और मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।